अवेकनिंग इंडिया में आज आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। इस श्रृंखला में बहुत सी ऐसे बातें हुई हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से भी जुड़ी हैं और जो नॉलेज उन्होंने हम सबको दी। अब हम काफ़ी हद तक बहुत सारी बातें तो समझ चुके हैं, लेकिन आज जो मुद्दा लेकर आए हैं वो जुड़ा है हमारे और आपके जीवन से, और वो जुड़ा है सशक्तिकरण से। यानी कि हमें नॉलेज तो मिल गई, लेकिन अब उसे इम्बाइब करके खुद को एम्पावर कैसे करना है, इसी पर बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं थी, उन्होंने एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बहुत काम किया है। हमारे साथ हैं शकुंतला जाकू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हम हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी किसी घटना से करते हैं, तो आज भी उसी तरफ चलते हैं। देशभक्त बनो, उस जाति पीढ़ी रेस से प्रेम करो जिसने भूतकाल में हमारे लिए इतने श्रेष्ठ कार्य किए हैं। ओ, जितना मैं पीछे मुड़कर देखता हूं उतना ही मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, तुम अच्छे हो, पवित्र व सौम्य हो। इस संसार की माया ऐसी है कि तुम ही पर हमेशा क्रूरता व निर्दयता की गई है, परंतु कोई बात नहीं, अंत में आत्मा की जय होगी। और तब तक हम कर्म करें व अपने देश को अपमानित न करें। परंतु स्वामी जी, सन्यासी को अपने देश से विशिष्ट मोह नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें तो सब देशों को समान रूप से देखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी माँ को प्रेम नहीं कर सकता व उसे सहारा नहीं दे सकता, वो किसी दूसरे की माँ का पोषण कैसे कर सकता है? स्वामी जी के अनुसार सबको, सन्यासियों को भी अपनी मातृभूमि को प्रेम करना चाहिए। वो व्यक्ति जो अपने देश को प्रेम नहीं कर सकता, विश्व को कैसे अपनाएगा? पहले देशभक्ति, फिर विश्व प्रेम। स्वामी, 4 वर्ष तक पश्चिम के समृद्ध देशों में समय गुजारने के बाद अब आपको अपनी मातृभूमि कैसी प्रतीत होती है? भारत से मुझे पहले भी प्रेम था, परंतु अब तो भारत की धूल तक मेरे लिए पवित्र है, वहां की हवा तक मेरे लिए पावन है। भारतवर्ष अब मेरे लिए एक तीर्थ के समान है। वैश्वीकरण के इस दौर में स्वामी विवेकानंद जी का ये कहना कि अपनी मातृभूमि से प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है, कहीं ना कहीं हमें एक बार फिर प्रेरित करता है। देखने की ज़रूरत है हम किस तरफ चल रहे हैं। शकुंतला जी, बहुत काम आप करते आ रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। पहली बात यही पूछते हैं आपसे कि आपने एम्पावरमेंट पे काम किया है और इनफैक्ट उसकी आप पढ़ाई भी करके आए थे बाहर, यूके में जब गए थे। क्या लैक कर रहा है? इतने सारे सरकारी कार्यक्रम होते हैं, महिला सशक्तिकरण, बच्चों की पढ़ाई को लेकर सशक्तिकरण करने का प्रयास, कितना कमज़ोर वर्ग के सशक्तिकरण की बात, हम कहाँ अटक जाते हैं? देखिए, जो समाज में बदलाव की बात है उसमें सरकार का एक रोल होता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो लेते हैं, सरकार ने निर्णय लिए हैं बहुत से लिए, वो सरकार जब ले लेती है निर्णय तो इम्प्लीमेंट तो ना सिर्फ सरकारी अफसरों ने करने हैं, पर सोसाइटी ने भी उसको एक्सेप्ट करना है, हर व्यक्ति ने करने हैं। तो कई ऐसी जो कानून बनाते हैं तो उसको हमें समझना भी है, इम्बाइब करना है और उसमें एक्टिव रोल अदा करना है। हमारे यहाँ पे कुछ थिंकिंग ऐसी होगी आम व्यक्ति की कि वो सोचते किसी और ने करना है और खुद अपने ज़िंदगी में हम उसको लागू नहीं कर पाते। तो स्वामी जी ने जैसे कहा कि सेल्फ से ही सब कुछ है, स्पिरिचुअलिटी से हम हैं और वहीं हमने पहुँचना है। और रिलीजन वाज ए मीडियम, उसके थ्रू वो जैसे स्पिरिचुअलिटी और अपने आप को, खुद को हमने अंदर से तलाश करना है। बाहर वालों ने आके हमारी डेवलपमेंट नहीं करनी। सरकार ने एटमॉस्फेयर दिया, लॉज बना दिए और उसका बनाने का तरीका भी दे दिया कि कैसे लागू करने हैं। हर व्यक्ति की ये जिम्मेवारी है, तो हमें कहीं जिम्मेवारी में हम कमी रखते हैं, अपनी उसको समझ नहीं पाते। तो ये जिम्मेवारी सोशल जिम्मेवारी है, कलेक्टिव जिसको आप कहते हैं वो, तो पर्सनल ज़िंदगी में भी और समाज के तौर पर भी हमें एक सोसाइटी के तौर पर, एक कल्चरल ग्रुप के तौर पर, एक देश के तौर पर इन वैल्यूज़ को और जो कि हमारे लॉज के थ्रू हम लेकर आ रहे हैं उनको अपनाना है। और वैसे एम्पावरमेंट करने का तरीका है, हर सोशल ग्रुप में, हर सरकारी ग्रुप में, हर प्राइवेट ग्रुप में समझना है कि है क्या ये एम्पावरमेंट, ये एक स्ट्रेटजी है किस प्रकार से। तो स्वामी जी ने तो उस वक्त में गांधी जी से पहले इस बात की महत्ता को समझा। सेल्फ रिलायंस, इम्बाइबिंग एजुकेशन कैसे होगी, क्या है शिक्षा। शिक्षा सिर्फ एक ये टूल तो नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ा दी और वो नंबर ले लिए और पास हो गए। आपके पास डिग्री हो सकती हैं, लेकिन आप अभी भी अशिक्षित हो सकते हैं क्योंकि आपने भाषा उसको समझा नहीं, सिर्फ उसको रट लिया और रिप्रोड्यूस कर दिया। तो स्वामी जी के हिसाब से, और यही एम्पावरमेंट भी है, मैं ये कहूँगी कि मेरे हिसाब से पहले एक्सपोनेंट रहे स्वामी जी उस ज़माने में 19वीं सेंचुरी में, जब उन्होंने एम्पावरमेंट को समझा, ना सिर्फ समझा पर अपनी ज़िंदगी में करके दिखाया। और इसकी जो मेन एक्सपोनेंट्स थे, जो मेन इसके फीचर्स हैं, उनको उन्होंने एक एक करके अपने ज़िंदगी में, अपने काम करने के तरीके में, लोगों तक पहुंचने के तरीके में और उनके अपने विचार बदलने के तरीके में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है वो खुद ही इंसान, व्यक्ति को अपने अंदर झांकना है, उस जो अंदर सारी नॉलेज पड़ी है उसको समझने में टीचर, सोसाइटी, सरकार, एटमॉस्फेयर, इसने सिर्फ एक रोल अदा करना है, पर हर व्यक्ति ने खुद को तलाशना। बिल्कुल वेरी ट्रू शकुंतला जी। और जहाँ एक्सपोनेंट्स की बात आप कर रहे हैं, हाँ आज इतने दिनों से हमारे साथ जुड़े सभी लोग अब कलेक्टिवली आई थिंक रेडी हैं, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर क्रिएटिंग द न्यू वर्ल्ड। और उसके लिए हमें, जो स्वामी जी ने जैसे कहा था कि खुद को तलाशें, लेकिन आपने कहा कि एक्सपोनेंट्स हैं क्योंकि आपने उस स्ट्रैटेजी को सीखा है, कहाँ से शुरू करें आपके अनुसार, कहाँ से क्या चीज़ पे पहला फोकस करना चाहिए, बिकॉज देयर नॉट मेनी पीपल हु कैन टीच। बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये कहती हूँ कि सबसे बड़ा जो टूल है एम्पावरमेंट का वो है शिक्षा। अब शिक्षा किताबों में रखी है एक बात है, पुराने लोगों ने सीखी, दुनिया भर ने सीखी, किताबों में आ गई, उसको हमने अपने अंदर इम्बाइब करना है। तो एक वन वे ट्रैफिक नहीं है कि टीचर ने आया पढ़ा दिया और हमें समझ आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन पूछेगा व्यक्ति, स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति जो पढ़ रहा है वो उसको समझेगा भी सही। टू वे ट्रैफिक है तो दोनों तरफ से। तो एक ज्ञान का लेवल, एक स्पिरिचुअल लेवल पर आत्मा जैसे ओपन अप हो जाती है, धीरे धीरे वो समझ आए। और एक स्वामी जी ने कहा कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। कई बार हम कहते हैं, समझ लो वीमेन एम्पावरमेंट की ले लीजिए, हम कहें औरतों का सशक्तिकरण होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ औरतों को हम, सरकार तो दे रही है एटमॉस्फेयर और स्ट्रेटजिक डिसीजंस, लॉज पास करके, कानून बनाकर और नई स्कीमें लाकर, वो तो उन्होंने एटमॉस्फेयर दे दिया। तो उस एटमॉस्फेयर में और उसमें फैसिलिटेट करी सरकार, बाकी काम किसने करना है, समाज ने करना है, हमने करना है, इंडिविजुअल हर व्यक्ति ने करना है। वहाँ पे रैकिंग हो जाती है। तो हम पुरुषों में ये वुमेन एम्पावरमेंट उन्होंने भी करना है। हमारी जनसंख्या का 50% हिस्सा जो है पुरुष हैं, चाहे वो किसी भी स्टेज पर हैं, बचपन से लेकर। तो उनकी साइकी में शुरू से ही विमेन के बारे में, लड़कियों के बारे में क्या विचार हैं, हम क्या उसको पूरी सोसाइटी के फोकस में देख पा रहे हैं, क्या हम उनको बता पाते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, सारे देश में इस स्ट्रेटजी की क्या इम्पोर्टेंस, हम कैसे उनको देखते हैं, विमेन को हम कैसे समझते हैं। तो ये जो स्वामी जी हैं उस वक्त उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात इसके बारे में कही। उन्होंने कहा कि औरतों का जो समाज में हिस्सा है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आदमियों का है, और एजुकेशन में वो उतनी ही उनको मिलनी चाहिए जितनी कि आदमियों को मिलती है। और एक्चुअली उन्होंने पुराने जो स्क्रिप्चर्स, और आप देखिए वेदों के बारे में तो कितनी गार्गी और ये कितनी लेडीज़ विदुषी होती थी उस वक्त में, तो जो कि पूरे स्क्रिप्चर्स को समझती भी थी और अपना दर्शन रखती थी और अपना विचार रखती थी और वो कामयाब थी। और उसी को बीच में कहीं हमने खो दिया, तो उसको तलाशने की ज़रूरत है। तो मैं कहती हूँ कि एक्चुअली हर व्यक्ति को एक ये नए ढंग से एजुकेशन को देना होगा। एजुकेशन टूल है, पर एजुकेशन स्लेवरी के लिए नहीं, नेगेटिविटी के लिए नहीं। जब हम एम्पावरमेंट की बात करें तो कई बार हम कहते हैं किसी और ने करना है, हमने खुद भी तो करना है। वेरी ट्रू। इनफैक्ट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें माध्यम हैं। आपने जैसे कहा कि एजुकेशन में पर्पस आपको बड़ा रखना पड़ेगा, वो पर्पस क्या हो, कहाँ से, क्योंकि हमने कई बार क्या कर लिया है, पैसा कमाना मेरा पर्पस है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा पैसा तो माध्यम होगा, फेमस होना मेरा पर्पस है, फेमस होना तो माध्यम होगा ना। सिमिलरली एजुकेशन कैन बी यू नो माय मीडियम टू अचीव दैट पर्पस। हाउ डू वी लुक फॉर दैट पर्पस, वो कैसे संभव? यही बात है कि जो हम अपने टीचर्स हैं, सपोज टीचर्स की ट्रेनिंग में हमें एम्पावरमेंट का इनपुट लाना होगा। तो क्या हम एम्पावरमेंट को इस तरह से लिबरेटिंग एजुकेशन को, जैसे एक लिबरेशन के तौर पे हम देख रहे हैं, जैसे स्वामी जी ने देखा, बाद में और भी जो एजुकेशनिस्ट आए जो एम्पावरमेंट का एक बाद में भी 20वीं सेंचुरी में भी लोगों ने इसको, इसके टूल्स को बताया, मेथडोलॉजी डिज़ाइन किया, तो उन लोगों ने भी इसी बात को, स्वामी जी के जो दिए हुए नजरिए थे उसको उन्होंने फर्दर और ज़्यादा एक्सप्लोर किया। और यही बात स्ट्रेंथन हो गई। गांधी जी ने किया सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस कैसे होगी? अगर हम अपने अगर हम शिक्षा को मतलब सिर्फ डिग्री लेने तक सीमित रखें और अपने माइंड को ना खोलें, माइंड के थ्रू स्पिरिचुअलिटी यानी अपनी महत्ता ना समझें। स्वामी के हिसाब से हम आत्मा हैं और आत्मा यहाँ आई है, एक मौका मिला है, इतना खूबसूरत दुनिया, और उसमें हमें कुछ सीखना है, उसमें सीख के अपने में एसिमिलेट करना है, एसिमिलेट करके उसको बढ़ाना भी है। जो देश का गौरव की बात, जिसकी बात स्वामी जी कहते रहे और हर जगह गए और जिसकी वजह से उनकी इतनी रिकग्निशन हुई, बहुत उनको मान सम्मान मिला और प्राइड उन्होंने दिया, तो वो प्राइड हमें हर व्यक्ति को तलाशना है। उनको उनसे जो हमें प्रेरणा मिल रही है, उस प्रेरणा को हम अपनी ज़िंदगी में तलाशना है। तो ये एक बात है। तो वहाँ टीचर्स की बात, फिर टीचर अफसर हैं, जो सोशल ग्रुप हैं, सभी को हमें एम्पावरमेंट की ये दिखाना। वो पैसिव हैं, तो लोग पैसिव हैं, सोचते कोई और करेगा। एम्पावरमेंट जो है एक एक्टिव कंसेप्ट है। वेरी ट्रू, इनफैक्ट दैट्स वेरी ब्यूटीफुली सेड कि पैसिव नहीं है, यानी कि कहीं और से ना आके मुझसे शुरू होगा। यही बात बार बार स्वामी विवेकानंद जी भी कहते आए, शकुंतला जी, और आज हम इस मंच पर भी हर बार की तरह एक उनका विचार लेते हैं, हाँ, जिस पर फिर हम मंथन करते हैं। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार। क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिक का समूल नाश हो जाएगा, सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा, धर्मों के प्रति सारी मधुर महानुभूति नष्ट हो जाएगी, सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी। धन उनका पुरोहित होगा, प्रताड़ना, पाश्विक बल और प्रतिद्वंदिता ये ही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानवात्मा उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती। दूरदर्शन, एक चैनल, एक भरोसा, एक उम्मीद। 15 सितंबर 1959 से शुरू हुए दूरदर्शन के इस सफर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को बेहतर क्वालिटी देने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, कार और टीवी सेट्स पर DVB-T2 स्टैंडर्ड के माध्यम से दूरदर्शन के चैनलों का लुत्फ डिजिटल क्वालिटी में ले सकते हैं। एनालॉग से डिजिटल हो रहे जमाने में दूरदर्शन बेहतर गुणवत्ता वाली तकनीक DVB-T2 का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मुख्य मकसद बेहतर ऑडियो वीडियो क्वालिटी दर्शकों तक पहुंचाना है। DVB-T2 के जरिए इस समय दूरदर्शन के 5 चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें DD नेशनल, DD न्यूज, DD भारती, DD स्पोर्ट्स और DD किसान या क्षेत्रीय चैनल शामिल हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट की बढ़ती लोकप्रियता के बीच एक्सटर्नल डोंगल DG दर्शन के माध्यम से आप इन चैनलों का मजा अपने मोबाइल या टैबलेट पर ले सकते हैं। अगर आप कार में सफर कर रहे हैं और चाहते हैं कि यात्रा के दौरान भी दूरदर्शन के कार्यक्रम मिस न हो, तो एक्टिव एंटीना और सूटेबल रिसीवर के माध्यम से गाड़ी में भी देख सकते हैं मनपसंद चैनल। DVB-T2 वाईफाई रूटर के सहारे भी ये चैनल्स देखे जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंटरनेट डेटा खर्च नहीं होता, यानी एक बार डोंगल या रूटर खरीदने के बाद मनोरंजन बिल्कुल फ्री। डोंगल, टीवी ट्यूनर और राउटर मार्केट में ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हैं। देश के 19 शहरों में ये सुविधा दर्शकों तक पहुँच रही है, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, जालंधर, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर, इंदौर, औरंगाबाद, कोलकाता, पटना, रांची, गुवाहाटी, कटक, बेंगलुरु, चेन्नई, श्रीनगर, हैदराबाद और त्रिवेंद्रम शामिल हैं। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिससे एंटरटेनमेंट का मजा और भी बढ़ जाता है। तो बदलते जमाने में बनिए स्मार्ट, चाहे घर हो या बाहर, लीजिए दूरदर्शन के डिजिटल चैनलों का मजा अपने मनपसंद इक्विपमेंट पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ddindia.gov.in पर लॉगिन करें। भारत को बचाना, और भारत को ही नहीं, भारत सिर्फ ये देश ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा को बचाना, उसकी मिट्टी में रचे बसते उस अध्यात्म को बचाना, यही स्वामी विवेकानंद जी ने हर बार कहा। और शकुंतला जी, इसी पर फिर आते हैं कि भारत कैसे बचेगा। उसके अंदर का जो बिल्कुल बातें उन्होंने कही कि ये सब कुछ इसमें समाहित है, इसको बचाना ज़रूरी है दुनिया को बचाने के लिए, क्योंकि अदरवाइज दुनिया से सब कुछ चला जाएगा। उसको करने के लिए हमें क्या प्रयास करने पड़ेंगे? आपने कहा था एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बात सबसे इम्पोर्टेंट जो एम्पावरमेंट के जो फीचर्स हैं मैं कहूँगी वो ये हैं कि एक तो ये एक्टिव है, मतलब इसमें ना निगेशन नहीं है, पॉजिटिव है, कंसेप्ट पॉजिटिव है, एक्टिविटीज़ भी सारी पॉजिटिव होंगी। और ये कि एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है ये कि एक दिन में हमने कर दिया। हम सोचते हैं सरकार ने कानून बना दिया तो अब तो होगी एम्पावरमेंट, ऐसा नहीं है। सरकार ने कानून बना दिया, सबसे डिफ़िकल्ट काम कर दिया, क्योंकि उसमें आप देखिए कितना लंबी प्रोसेस है और एक स्ट्रेटजिक डिसीजन लेके पावर को शेयर करने के बाद कहीं पे भी किसी फॉरम पे सबके साथ सब चीज़ों को देखना भी पड़ेगा उसके लिए। वो करा तो वो अगर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आते हैं, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी। तो वो उसके बाद वो एक्टिविटीज़ हमने करनी है। हम पैसिव होकर बैठे रहते हैं एज ए सिटीज़न, मतलब बाहर खाली बैठना नहीं है। पर्सनल लाइफ में हम उसको इम्बाइब नहीं करते। जो एजुकेशन की बात स्वामी जी ने समझाई कि एजुकेशन, उसके बारे में एजुकेशन को मुझे अपने अंदर समा लेना है ना, समझ लेना है, अपनी पर्सनैलिटी का इंटेग्रल हिस्सा बना लेना है। अगर मैं ऐसा करती हूँ, हर व्यक्ति ऐसा करता है, तो देश बदल गया। बस यही फ़र्क है। मैं अब एक मुल्क के बारे में कहती हूँ जहाँ मुझे रहने का मौका मिला, तो जब मैं वहाँ रही, एक साल पढ़ रही थी, उस टाइम में मैं रूरल सोशल डेवलपमेंट में मास्टर्स कर रही थी, तो मैंने उनको, ब्रिटेन को समाज के तौर पर देखा, कैसे वो लोग रहते हैं। क्या जब वो बाहर होते हैं, सड़क के बाहर, मतलब सड़क पर हैं, चल रहे हैं क्यू में, मतलब क्यू में वो बस के पास सामने खड़े हैं, एक एटिकेट, एक समाज के प्रति जागरूकता और उसका जो चित्रण जो दिखाई देता था उनके काम करने के तरीके में। 50 रुपये लेकर, 50 पाउंड लेकर आप कभी वहाँ, या 10 पाउंड भी लेकर आप टिकट नहीं खरीदेंगे। अगर आपके पास इतने ही हैं, खुले नहीं हैं, तो आपको कहेंगे प्लीज़ स्टेप साइड, तो आप एक साइड पर खड़े हैं ताकि दूसरे लोग वेट ना कर सकें। मैं ये कहना चाहती हूँ एम्पावरमेंट का पहला काम ये है कि पहले अपने से पहले हम अपने आसपास के परिवेश को पहले रखें, अपने देश को पहले रखें, अपने सोसाइटी को पहले रखें। हमारी डेमोक्रेसी कंपैरेटिवली थोड़ी सी नई है हमारे पास, अभी नई, फिर भी हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी पुरानी है। तो उस दौरान में उन्होंने क्या सीख लिया कि पहले अपना देश, अपना समाज, फिर अपना परिवार, फिर हम। हमारा उल्टा है नज़रिया। हम क्या करते हैं, मैं, फिर मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा समाज की हम सोच नहीं रहे। वो सोचते हैं सरकार का काम है, सरकार अपना कर रही है, तो इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है। तो वो जो पैसिविटी और जो नेगेटिविटी और जो कि मैंने थोड़ी करना, किसी और ने करना है, ये सोचते सोचते हमने अपनी जिम्मेवारी सभी बाहर की तरफ डाल दी। उल्टा होना ये चाहिए कि हम उनको, जितना भी हमने फैसले अब तक किए हैं सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, उनको हम ठीक से लागू करें, पर्सनल लाइफ में इम्बाइब करें, सोशल लाइफ में इम्बाइब करें। तो आप देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमें औरतों के प्रति, डाउन ट्रोडन पुअर आदमियों के प्रति, औरतों के प्रति, समाज के प्रति, निगलेक्टेड एरियाज़ के प्रति हमारे को ज़्यादा संवेदनशील होना होगा। और ना सिर्फ होना होगा ये कि मैंने, हाँ भाई मैं संवेदनशील हूँ, इसका क्या प्रूफ है कि आप हैं? अगर हैं तो पर्सनल ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में, अपने एटीट्यूड्स में इसको दिखाएं। हाँ। हर व्यक्ति ये करा तो एम्पावरमेंट हो गई, तो टूल्स भी सामने आ जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ बिगिनिंग करने के लिए अपने घर से शुरू कर लें, अपने टीचर से शुरू कर लें, वर्क प्लेस से शुरू कर लीजिए, कोई पीछे हटने की बात नहीं। स्वामी जी की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात एजुकेशन में उन्होंने कही कि नेगेटिविटी, जो शिक्षा आपको नेगेटिव थॉट देती है, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो, तो नेगेटिविटी से आपने डिग्री ले ली तो आपके पास पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। देखिए हमें, यानी अगर आप सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं समाज को, अपने देश को, अपने हर चीज़ को सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव एजेंडा नहीं दे रहे, पॉजिटिव तो थॉट दीजिए बच्चे को। जैसे आपने कहा आपने चोरी नहीं करनी, ये नहीं करना, उनको ये भी बताओ कि और करना क्या है? ये है ना इम्पैक्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग और सही करने का भी नतीजा। हाँ। हमें सामने सामने रखने हैं। तो यानी एक एजुकेशन जो है ये ना एक डिग्री है सिर्फ, क्लास 1 से ले लीजिए आप, पर इसमें समाज के साथ आपको जुड़ना, अपनी साइकी में समाज के, अपने परिवेश की बड़ी उन्होंने वैल्यू दी, और बड़ी है वैल्यू। जो वेस्ट में सही होगा जरूरी नहीं कि यहाँ सही हो, क्योंकि हम अलग अलग वक्त में, अलग अलग समाज में बात कर रहे हैं। तो लेकिन राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंस्ट्राइंड हैं, आ गए हैं हमारे पास, उनके प्रति हमें संवेदनशीलता भी हमें रखनी होगी, और हमें उसके प्रति ज़्यादा सजग होकर कार्य रूप देने के लिए एक्टिव बनना पड़ेगा। बिल्कुल, बात यहीं से शुरू होती है कि कहीं ना कहीं हमने नेगेट करना, क्रिटिसाइज करना ही सीखा है, एक्सेप्ट करना नहीं सीखा है। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं, देखें कि हमने दिन में कितनी चीज़ों को नेगेट किया, कितनी बार ना ना कहा और कितनी बार हाँ हाँ कहा। शायद ये पहला कदम हो। समय समय पर कई ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में जो कई अलग अलग क्षेत्रों के हैं और विवेकानंद जी के कई विचारों को उन्होंने आत्मसात किया है। तो ऐसे ही जाने माने क्रिकेटर कपिल देव जी ने भी अपनी बात कही, उनकी बात सुनते हैं। एक इंसान, एक यूथ अपने आप को लेकर पूरी दुनिया का भ्रम के लिए निकले और अपना ये था कि मैं बाहर जाकर क्या सीख सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ। उस उम्र में आपके बहुत से और थॉट्स होते हैं कि मुझे ये करना। उनका एक था कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ, और मैं जितना भी वो हिंदुस्तान की सभ्यता के बारे में सीखे वो जाके दूसरों को देना चाहते थे, बताना चाहते थे कि हम इस तरह रहना चाहते हैं और रहना चाहिए। इस तरह की सोच रखनी 150 साल पहले, आज यहाँ से बॉम्बे जाना हो तो आदमी का हालत ख़राब हो जाती है। और उन्होंने उस समय 150 साल पहले, जब आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि आप अभी निकले और शाम तक वहाँ पहुँच गए, उसके लिए घर बार छोड़कर एक सोच रखकर आप दुनिया के चक्कर लगाते हैं। और वो सोच आज शायद इसीलिए विवेकानंद जी की जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि उनकी सोच शायद उस ज़माने में बहुत आगे थी, और वो सोच रखनी एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, यहीं से शुरू हुई बात कि अभी हम यही बात कर रहे थे कि सारे जहां से घूम आए, सब कुछ ले आए वहां से जो अच्छा है, लेकिन फिर घर तो लौटना ही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हो जाता है। एक बात आपसे और करना चाहूँगी मैं कि ये तो बात रही विमेन एम्पावरमेंट की। आज जो हम देख रहे हैं बच्चों को भी, घर के ही बच्चे नहीं, जब एक तो है वो वर्ग जहाँ पर अभी भी कितने सारे कानून बनने के बावजूद भी बच्चा जो है, जो बाल श्रम की बात होती है कि वो कहीं पे भी चाय की दुकान पर, कहीं पर भी उससे काम कराया ही जा रहा है, शिक्षा को जो उसे मिलना चाहिए अधिकार उसे नहीं मिल पा रहा है, वो भी हम हर रोज़ देखते हैं। अब वहाँ से उस पर हम एज एन इंडिविजुअल क्या प्रोसेस शुरू कर सकते हैं? मेरी एक बात, एक पुराना छोटी सी बात आपने कहते हैं एज इंडिविजुअल, मैं कहती हूँ एक नारा सा पहले शिक्षा क्षेत्र में दिया था कि ईच वन टीच वन, हर व्यक्ति एक व्यक्ति को पढ़ा ले। अगर हम ऐसा ही कर लें, जो घर में हमारे काम करने वाले आते हैं या कोई नौकर है या कोई है, तो आप उन्हीं को एक को पढ़ाएं तो एक ज़िंदगी आपने बना दी। तो ये एक कंसेप्ट। दूसरा ये कि भाई जो बच्चे हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेवारी क्या है। पहले तो अपने बच्चों को ही ले लीजिए। मतलब स्वामी जी ने कहा है कि जो बच्चे प्रार्थना के बाद पैदा होते हैं, उनका कपल के बारे में, मैरिड कपल के बारे में, तो वो जो प्रार्थना के बाद पैदा होते हैं वो बच्चे बहुत नेक होंगे। और मतलब आपने एक तरह से भगवान से मांगा कि हमें अपना परिवार बढ़ाना है। इसका मतलब क्या है? जिम्मेवारी, कि पेरेंट्स में जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हम 2 से अब 3 होना चाहते हैं। एक बच्चा हमें भगवान दो ताकि हम उसकी परवरिश कर सकें, उसको इंसान और बेहतर बना सकें, यानी उसकी एजुकेशन, उसकी केयर, अटेंशन सब हो। तो सभी पेरेंट्स की जिम्मेवारी जो है ये एक इंश्राइंड है, होना चाहिए उनके हिसाब से। क्या हम वो पूरी कर रहे हैं? पहली बात ये। इसका मतलब ये भी है, सेल्फ सेंटर्ड होने की बजाय हमें थोड़ा सा अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति और अपनी जिम्मेवारी अदा करनी होगी। अगर मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मेरे मीन्स ज़्यादा हैं, तो मेरी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये पॉइंट है। अच्छा, बच्चे जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं उनको एजुकेशन का नहीं मिल रहा। मैं देखती हूँ अगर, और आप कोई भी व्यक्ति अगर देखता है कि चाय की दुकान पे, ढाबे पे कहीं बच्चा है, तो हम अपनी जिम्मेवारी समझते नहीं कि उस बच्चे के बारे में सोचें। कानून है, कानून है, कानून को मतलब हमने सिर्फ ये नहीं कि प्यूनिटिव है। देखिए जो हमारी सोशल जिम्मेवारी है उसमें कोई ये प्यूनिटिव तो नहीं है कि आपने देखा आपने बताया नहीं, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व की बात है कि क्या आपने उसको इतना समझा, क्या आपने अपने देश के कानून को इम्बाइब किया, इम्बाइब करके पॉजिटिव एक्शन। पॉजिटिव एक्शन क्या है? बच्चे से पूछ लो, क्या पता किडनैप्ड बच्चा हो, कहाँ से आए हो, क्या बात है, कहाँ पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे, तो उसके बारे में आप सोशल इंस्टीट्यूशन से, सरकार ने बहुत क्रिएट की हुई हैं, वहाँ आप सूचना दे सकते हो। लड़कियाँ हैं, ट्रैफिकिंग का एक इशू है, बड़ा भारी इशू है। मैं ये कहती हूँ कि ट्रैफिकिंग लड़कियों में, बच्चों में तब तक नहीं हो सकती जब तक कि सोसाइटी के मतलब पैसिव ना हो जाए। अब देखिए पैसिविटी, हाँ पैसिविटी नहीं चाहिए। हम बस स्टैंड पे देखते हैं किसी बच्चे को, हमें लालच छोड़ना होगा, लालच और एक पैसिविटी की मेरा थोड़ी है, मेरा घर है, डर छोड़ना होगा कहीं ना कहीं। डर भी रहता है कि हम क्या करें, क्यों फंसे। नहीं, डर भी होगा कुछ हद तक, लेकिन आधे तो सिर्फ ये है कि मेरा थोड़ी है, मेरा घर। तो हम मतलब जब हम ऐसी सोच रखते हैं तो हम अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे होते, अपने समाज के बारे में सोच नहीं रहे होते जो स्वामी जी सोचते थे। और उनका एक सबसे बड़ा था कि भाई मैं दुनिया को त्याग देना, जो सन्यासी है दुनिया को त्याग देता, तो यानी वो एक दूसरे स्पिरिचुअल लेवल पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहीं पहुंचना है, आत्मा को, परमात्मा को तलाश करना, ठीक। लेकिन वो कहते मेरे साथ इतनी आत्माएं हैं समाज में, तो मैं इनको, चूँकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी उनसे बेहतर है, मेरी आत्मा को इतनी ज्ञान हो गया है, प्राप्त हो गया ये मुझे, तो ये मेरी ड्यूटी है, जिम्मेवारी है कि मैं इसको बढ़ाऊँ। जो मेरे को विचार इतना अच्छा भगवान ने दिया, इस विचार को मैं दूसरे व्यक्तियों के बीच में भी पैदा करूं और उनको भी एक्टिव बना दूं। एम्पावरमेंट, यानी मैं सिर्फ ना कि खुद के लिए चेंज करूं, खुद को बदलूं और वो विचार, लेकिन उन विचारों को बढ़ाऊं। तो बच्चों के बारे में भी, जो ऐसे बच्चे हैं उनके बारे में विचार बढ़ाना, पढ़ाना, आसपास के चार आदमी इकट्ठे करके आप कितना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, गंद पड़ा है अगर और वहाँ पड़ा रहा तो हम देखते रहते कि म्यूनसिपैलिटी वाले क्लियर करेंगे। एक हेल्पिंग हैंड हो अगर, एक टेलीफोन अगर हम कर दें तो वो उसी दिन साफ़ हो जाएगा। और अगर वहाँ से कहीं कॉल नहीं आ रही और हमें इमरजेंसी में वहाँ साफ़ करना पड़ गया, चार आदमी इकट्ठे किए, हम कहें भाई ये ग्राउंड है बच्चों का, यहाँ पे कूड़ा कूड़ा डाल दिया, तो आगे से ना डालें। ये काम तो मैंने एक्सपेरिमेंट खुद, मैंने कहा यहाँ ना डालो भाई, एक बोर्ड ही लगाना, मैंने कहा बोर्ड बनाओ, लगा दो, खेल का मैदान, कूड़ा ना डालें। हमारी कॉलोनी में था, ये कई 15 साल पहले की बात है। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि बाहर नहीं डाला है कूड़ा, मैंने कहा जहाँ डालना है वहीं डालो भाई, तो ये बच्चे खेल नहीं सकते। फिर ये छोटी छोटी जिम्मेवारियाँ हैं। कोई डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट रातों रात बड़े लेवल पर इंडिविजुअल नहीं कर सकता, वो सरकार ने करनी है कि आपको एटमॉस्फेयर दे दिया लॉ पास करके और स्कीमें बना दी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हर व्यक्ति ने करनी है, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। तो हम अपने समाज को, अपने जागरूक समाज को, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे और अच्छी पोजिशंस में हैं, पैसे से वेल ऑफ हैं, माइंड से भी वेल ऑफ हैं, उनके ब्रेन्स को थोड़ा और ओपन अप करें। जो स्वामी जी ने आत्मसात किया था उनकी आइडियोलॉजी को हम भी आत्मसात करें। बिल्कुल, तो लेट्स बिकम, मैं कहूँगी, एजेंट्स ऑफ चेंज, बदलाव के हम खुद ही सारथी बन जाएं। और 100% शकुंतला जी, थैंक यू सो मच, ये जो इतने प्रैक्टिकल इनपुट्स आपने दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। इसके साथ ही अब वक्त है कि आपसे विदा लें। अवेकनिंग इंडिया में आज इतना ही। एक लंबे समय से हम और आप साथ जुड़े हैं, स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग्स को अपने जीवन में इम्बाइब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं ये प्रयास ज़रूर सफल रहेगा। आपके ईमेल्स द्वारा हमें आपका प्यार भी मिलता है, आपके सजेशंस भी। आप हमें मेल कर सकते हैं awakeningindia.dd@gmail.com पर। अब आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। ये जीवन क्षण स्थायी है, संसार के भोग विलास की सामग्रियां भी क्षण भंगुर है। वे ही यथार्थ में जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीवन अर्पण करते हैं। बाकी लोगों का जीना तो मरने ही के बराबर है।